फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है इंडियन टीचर्स और होमवर्क स्टैंड अप कॉमेडी बाय पीयूष शर्मा। चलो देखते हैं भैया, ये मजेदार होना है। इंडियन टीचर्स एंड होमवर्क, खूब सारा होमवर्क मिलता होगा और टीचरें बोलती होंगी खत्म करके आओ नहीं तो फेल कर दूंगी। मुझे तो यही लग रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और याद है क्लास में एक बंदा था अलग ही नाजुक, अलग ही सेंसिटिव होता था नहीं? उसको स्केल पढ़ते हो गरबा शुरू कर दे रहा था। मैंने न्यूज पढ़ते रहता हूँ मस्ती के लिए, काफी मसाला है। तो न्यूज पढ़ते पढ़ते मैंने नोटिस किया यूएस के जो स्टूडेंट्स है ना वो अलग ही बकचोदी में रहते हैं। वो पता है गन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। उनको स्कूल में पेन पेंसिल नहीं, गन ले जानी है गन। मैं स्कूल में से एक बार टोपी पहन के गया था। मेरे को टीचर ने इतना जलील किया, मेरी आत्मा को टोपी से नफरत हो गई। Like US में शॉन नाम का लड़का टेबल पे खड़े मस्ती करेगा ना, वहां का टीचर ज्यादा ही करेगा शॉन सिट डाउन शॉन सिट डाउन। वहां पे इंडियन टीचर भेजो। शॉन इधर आ जा। चश्मा उतार ले। उसके बाद शॉन सीधा श्रवण कुमार बन जाएगा। वो घर की टेबल पे भी खड़ा नहीं होगा क्योंकि इंडियन टीचर के थप्पड़ में बहुत पावर होती है। मेरे स्कूल में एक बायो के टीचर ने एक बच्चे को थप्पड़ मारा, उसके मैथ्स मार्क्स आने शुरू हो गए। कितने स्ट्रिक्ट होते ना हमारे टीचर्स। लाइक होमवर्क नहीं करके तो मारो ना, पनिश करो। नहीं, उनको पहले सीन क्रिएट करना था, ड्रामा। तूने होमवर्क क्यों नहीं किया? उसी सेंटेंस को अलग अलग स्टाइल में बोलते रहेंगे। तूने होमवर्क क्यों नहीं किया? एक्टिव पैसे वो इसमें खेलेंगे। होमवर्क क्यों नहीं किया तूने? तेरे से होमवर्क क्यों नहीं हुआ? गुस्से में मदर टंग निकल गई। होमवर्क कशाला निकला तू? एक बार तो टीचर ने संस्कृत में डाट दिया, तस्से कस्से होमवर्क जय वदन अट्टा पट्टा। हम लाइक हैं? होमवर्क नहीं किया तो क्या श्राप दोगे क्या? एंड यू कैन नॉट बी ऑनेस्ट टू देम। लाइक यू नॉट से सर मैंने होमवर्क नहीं किया, मैं होमवर्क करना भूल गया। ओ होमवर्क करना भूल गए, खाना खाना तो नहीं भूलते। ये भी ठीक था। एक बार तो ओ होमवर्क करना भूल गए, सांस लेना तो नहीं भूलते। तो मैंने भी पेल दिया, सर मुझे अस्थमा है बोलो। और याद है टीचर्स का एक फेवरेट हथियार होता था, एक फेवरेट वेपन, वुडन स्केल। मेरे को याद करके बता, कोई टीचर ने कभी वुडन स्केल लाइन ड्रॉ करने यूज किए क्या? नहीं, वो वुडन स्केल का पूरा धंधा ही ब्रूटेलिटी पे चल रहा है। वो घर जाके चेक करना, आजकल वो स्केल वाले मार्किंग देनी बंद करती है। टेढ़ी मेढ़ी स्केल पर अरे पीटना तो है देना। अपनी स्केल लाइन खींचते नहीं, लाइन पे लाने के काम आती है। नहीं, और याद है क्लास में एक बंदा था अलग ही नाजुक, अलग ही सेंसिटिव होता था नहीं? उसको स्केल पढ़ते हो गरबा शुरू कर दे रहा था। उसको ज्यादा पढ़ते थे लड़के। और पीछे से बच्चे भी अरे नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है। और मार उसको पंखीड़ा। लेकिन एक बच्चा अलग ही बैडस होता था नहीं, वो एज में आपसे 3-4 साल सीनियर होता है लेकिन फेल होते होते तुम्हारी क्लास में आता है। उसको स्केल से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसको वैक्सीनेशन मिल चुका है स्केल का। उसको पनिश करने के लिए टीचर को क्रिएटिव होना पड़ता है। कान मरोड़ रहे हैं, चोक स्लैम दे दिए। उसको पीछे बेंच पे खड़ा कर देते हैं।
वो इतना लंबा है ऊपर की क्लास अटेंड कर रहा है। अपने दोस्तों को हाय। हमारे स्कूल में एक हिंदी के टीचर थे जो इंसिस्ट करते थे इनको इंग्लिश में बात करनी है। प्रॉब्लम था उनकी इंग्लिश को पोलियो था। एक बार हम क्लास में मस्ती कर रहे थे, सर आ गए, व्हाई यू हैज लाफ्ड। हम लाइक सर आई हैज नॉट लाफ्ड। बोलते हैं यू हैज लाफ्ड, आई हैव सीन यू। एक बार तो सर लेजिट कंफ्यूज थे क्या यूज करना पड़ता है, तो उन्होंने चार ऑप्शन फेंक के मार दिए, व्हाई यू हैव बीन टॉकिंग। ठीक है सर। और मैं पेंसिल लेके सोच रहा कौन सा टिक कर रहा है इसमें से। ओहो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऐसे ही तो जेई क्रैक करूंगा मैं। और मेरे को ना स्कूल में दो सबसे वाहियात पीरियड लगते थे। कौन से? पहला था ड्राइंग। ओ मुझे भी। जिसमें दो घंटे में सबमिशन करना पड़ता था। नहीं पहले घंटा आदमी पूरी क्रिएटिविटी दिखाता है, पेंसिल से घर बना रहा है, आदमी बना रहा है, पेड़ बना रहा है। अगला एक घंटा कलर भरते टाइम डेडलाइन जाती दिमाग में, इतना बड़ा स्काई क्यों बनाया मैंने, ये नदी भरी नहीं है, बोलूंगा सूखा आ गया था, ये व्हाइट कलर किस काम का है। क्राफ्ट जिसमें पहला एक घंटा और दूसरा सबसे घटिया पीरियड क्राफ्ट, जिसमें पहले घंटा आदमी पूरे वही ड्राइंग वैसा ही करता है, पेंसिल से घर बना रहा है, आदमी बना रहा है, पेड़ बना रहा है, लेकिन उसमें कलर नहीं भर रहा है, दाल चिपका रहा है, पेंसिल के छिलटे चिपका रहा है, पिस्ते के छिलके चिपका रहा है। हमने कैसा बकचोदी करा रहे हमसे, इसके लिए फीस भरी थी क्या? बोलते बेटा इससे ना हम वेस्ट मैनेजमेंट सीखते, वेस्ट मैनेजमेंट। Like, वो वेस्ट था भी नहीं पहले। वो पेंसिल छील छील के मैंने वेस्ट बनाया है। पूरी फैमिली रात भर बैठ के पिस्ते खाई है तब जाके सबमिशन हुआ है। और मेरी फैमिली तो पिस्ते खाती भी नहीं है। 10 marks के लिए पूरे फैमिली का बजट हिला दिया आपने। बड़े मजेदार था यार, स्कूल टाइम याद दिला दिए। इसमें से इतना कुछ मैं रिलेट कर पा रही थी कि क्या बताऊं, और इतना मजेदार था, क्लीन कॉमेडी थी, और स्कूल की कॉमेडी बड़ी मजेदार थी। इतना अच्छा बोला है। और वैसे वाकई वो कहते हैं ना स्केल सेम, हमारे जो था, मैं पहले शुरू में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी, तो हमारे वहां पे सिस्टर्स या नन्स होते थे, तो वो उनमें से एक टीचर थी हमारी, नन नहीं थी वो, नॉर्मल थी, उनका नाम होता नहीं, वुड पैकर वुड कट्टर ऐसे करके कुछ नाम होता था। और वो इतनी स्ट्रिक्ट थी कि हम मुझे कोई पर्टिकुलर कर्सिव राइटिंग चाहिए, तो हम लोग बड़ा सुंदर लिख के जाते थे, और उनको इतनी सुंदर, मैं सच बता रही हूँ मेरी राइटिंग बहुत सुंदर होती थी तब, वो फिर भी ना बच्चों को खड़ा करके ऐसे बोलती थी नकल्स पे करो, और स्केल मारती थी यहाँ पे स्केल मारेंगी, तो हमें लग डर, मेरे को था कि भैया मेरी राइटिंग तो अच्छी है, मुझे स्केल नहीं पड़ेगा, बच्चों को पढ़ रहा है। तो जब अभी नई क्लास शुरू जब हुई, वो उन्होंने देखा और मेरे को भी कह दिया गेट अप। मैंने कहा मैंने क्या करा, मैं तो इतनी अच्छी है, कहती शो मी योर कॉपी, कॉपी दिखाई, शुभ ब्रिंग योर हैंड इन फ्रंट। ओ बाप रे, और मुझे जो वो मारा ना, मेरे को समझ ही नहीं आई कि मुझे मारा क्यों, मेरी राइटिंग इतनी सुंदर थी। और उनमें से एक और लड़की थी जो मेरे साथ ही बस में जाती थी, मेरे एक स्टॉप पहले उतरती थी, मेरी क्लास में थी, जिसे मैं कभी बात नहीं की हुई होती थी, उसको हमेशा वेरी गुड बोलती थी। मैंने कहा इसकी राइटिंग में क्या खासियत है जो मेरी राइटिंग में नहीं है। बड़ी मुश्किल से, परेशानी में, चलाकी से मैंने किसी तरह उसकी राइटिंग देखी, और उसकी राइटिंग इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी डार्क पेंसिल से, और मैं पतली पेंसिल शार्पन करके लिख रही हूँ, क्लियर नहीं, छोटा छोटा। मैंने कहा टीचर को ये राइटिंग चाहिए तो पहले बताना, हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर मैंने वैसी लिखने लगी, फिर मुझे मारनी पिटी। वो एक्सपीरियंस पता है जो आपको मार पिटता है वो आप कभी नहीं भूल सकते हो, तो मुझे उससे वो याद आ रहा था कि हमें राइटिंग के लिए मार पिटा करती थी कि थोड़ी सी भी लाइन इधर की उधर हो जाए तो पड़ेगी। तो वही बता रहे, इतनी स्ट्रिक्टनेस होती थी, मजा आ रहा था। राइटिंग काफी अच्छा है, अभी तो मेरे ख्याल से
स्कूलों में अब स्केल वगैरह नहीं मारते होंगे, आप बताइए अभी क्या सिस्टम है। हमारे जमाने में वो सिस्टम बड़ा था, ऐसे लग रहा है कि इनके जमाने में भी था सिस्टम तो, मगर आजकल तो हमने यही सुना था कि कोई अब बंद हो गया, फिजिकल कुछ भी नहीं होता, कोई थप्पड़ नहीं चलते, कोई स्केल वगैरह नहीं चलते, ये सब कुछ नहीं होता। उससे लोग कहते हैं कि बच्चे सॉफ्ट बन जाते हैं, बट मैं कहूंगा ये सॉफ्टनेस ठीक है राधा देन कि आप हिट करें। हमारे समय में एक लेडी होती थी मिस नेल्सन, वो इंग्लिश की थी, सब इंग्लिश की मिलती हैं ऐसी, इंग्लिश की थी मिसेज नेल्सन, मिस नहीं मिसेज नेल्सन थी, इंग्लिश की ओल्ड लेडी थी, ओल्डर लेडी थी थोड़ी, वो बहुत तेज थप्पड़ मारती थी, मतलब उनकी ये ब्यूटी थी कि मतलब उनको कुछ भी हो वो उन्होंने पूरी क्लास में हर एक को एक दो बार तो मार दिया होगा क्योंकि उनका वही काम था, उनसे उनकी वजह से बंदे डरे हुए जाते थे स्कूल में। मैं भी अपनी उस टीचर से डर के जाती थी हाई स्कूल जाना पड़ता बहुत, मतलब चाहे आपने होमवर्क कर लिया नहीं किया, वो इंग्लिश की टीचर थी मगर मारती उनकी बहुत ही गंदी आदत थी, और ऐसा कहा जाता है कि कॉन्वेंट छोड़कर वो हमारे स्कूल में आई थी पढ़ाने हो सकता हमारी स्कूल में होती थी कॉन्वेंट छोड़कर वो हमारे स्कूल, हमारा काफी अच्छा स्कूल था दिल्ली में, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स था, मेरे को समझ नहीं आया था कि कोई हो हमारे स्कूल से तो उनको पता भी होगा। इंग्लिश में मिसेज नेल्सन थी, वो क्यों मारती थी मुझे नहीं पता, बहुत खड़ूस थी, ऐसे बड़ी सी ऐनक पहनती थी और ये धमाके बहुत आराम से नहीं मारती थी मगर मतलब बहुत तेज मारती थी, मतलब चांद तारे सितारे सब दिखते थे। और उस वक्त कोई ऐसा लॉ नहीं था कि आप कह सके भैया आप मार नहीं सकते, मार पड़ती थी तुमको, बच्चा नहीं कुछ बोल सकता था, कुछ पेरेंट मार पड़ती, और अगर आप पेरेंट को बोलेंगे तो पेरेंट भी एक दो लगा देगा कि टीचर ने मारा है तो कोई बात नहीं, गलती की होगी, पेरेंट को भी इतना विश्वास नहीं होता कि बच्चा ठीक है। तो जो भी है मेरे काफी अच्छा इनकी कॉमेडी थी, वेरी नाइस, मजा आया और काफी क्लीन कॉमेडी थी, बहुत अच्छी, वेरी नाइस, मजा आ गया, बहुत ही अच्छा लगा, आई रियली एंजॉयड इट। तो फ्रेंड्स चलो वो करते हैं, आपने भी एंजॉय किया होगा, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।